दीपक वर्मा सृजन घोटाला में उनका नाम आया था। तो सर सृजन घोटाला में आपके पार्टी में एक उनको एमएलसी का टिकट दिया गया था, किन आधार पर, किनके कहने पर एमएलसी का टिकट दिया गया? एक तो दीपक वर्मा जी अब पार्टी में नहीं है, जैसे ही हमको जानकारी हुई कि किसी घोटाला में उनका नाम आया है तभी पार्टी में कार्रवाई की, उनको पार्टी के पद से, पार्टी के साथी सदस्य से बाहर कर दिया गया और पार्टी में नहीं। एमएलसी के टिकट देने की बात है, जिनके कहने से दिया गया यह बात तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी में जाता है तो पार्टी अब उनका पूरा पोस्टमार्टम तो करती नहीं, कोई टिकट भी हम लोग किसी को देते हैं तो अब जैसी एजेंसी तो पार्टी के पास होती नहीं है उनकी जांच करा लें, उतना संभव नहीं होता है। हाँ, जब बात हमारी जानकारी में आई कि घोटाला में उनका नाम है तब हमने कार्रवाई कर दी, उसके पहले क्या था नहीं था इतना संभव भी नहीं था कि हम जांच करें और किसी दल के लिए भी संभव नहीं। सर दीपक वर्मा के खाते से आपके पार्टी के खाते में करोड़ों रुपया का गया है टिकट देने के लिए, इस संदर्भ में क्या कहना है? उसका कुछ हिस्सा अगर मिल जाए तो अभी भी हम स्वागत करेंगे। अरे कहाँ से ये सब सवाल आप लोग ले आते, ये सब सवाल विचित्र सवाल है। एक नया पैसा हमारी पार्टी के खाते में अगर कोई दिया हो तब सवाल उठता है, एक नया पैसा पार्टी के खाते में नहीं आया, करोड़ों सुनकर तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक नया पैसा की बात जहाँ नहीं वहाँ करोड़ों की बात है। सिंगल पैसा किसी ने हमारी पार्टी के खाते में नहीं दिया है, अब इस तरह का सवाल कहाँ से आ जाता है मुझको नहीं। तो इस बिहार में बहुत बड़ा सृजन घोटाला है, कई और लोगों का नाम आ रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए इसकी? नहीं, इसमें होना क्या चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की जांच में जो व्यक्ति भी पकड़े जाएंगे, बड़े से बड़े लोग हों जो भी हों उन पर कार्रवाई होगी, अब इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, सीबीआई जाँच कर रही है। विपक्ष के लोगों ने भी कहा, उन लोगों ने मांग की कि सीबीआई से जांच की अनुशंसा राज्य की सरकार को करना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक क्षण भी देर नहीं और तुरंत सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, सीबीआई जांच शुरू भी हो गई है, तो जांच सीबीआई कर रही है, हमको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी और जो लोग भी दोषी हैं सब लोग पकड़ में आ जाएंगे, अब लोगों को निश्चिंत होकर इंतजार करना चाहिए सीबीआई की जाँच रिपोर्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से ये स्थिति का मतलब है कि दिल्ली में कोई अलग सरकार और बिहार में कोई अलग सरकार तो विकास के काम में बाधा आती है, और दोनों जगह की सरकार में काम करने वाले लोगों के लिए यदि लोग बहाना बनाना चाहें तो बहाना बनाने की गुंजाइश निकल जाती है। भारत सरकार से कोई अपेक्षा नहीं पूरी हुई, गुंजाइश रहती है लोगों के लिए यह कहने के लिए कि बिहार की सरकार सहयोग नहीं कर रही है, और राज्य की सरकार अगर कुछ नहीं कर पाई तो केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इस बार काफ़ी दिनों के बाद अनुकूल परिस्थिति, इसलिए मैंने कहा है कि दिल्ली में और पटना में एक तरह की सरकार आई है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है।